नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। फेफना पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रशांत उर्फ हीरा पुत्र दिनेश सिंह को हल्की मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। इसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा व एक मिसफायर कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार हीरा ने पुलिस को बताया कि जमीन विवाद व पुरानी रंजिश में गांव के ही पत्रकार रतन सिंह की हत्या 24 अगस्त की रात्रि सोनू सिंह चाचा अरविंद सिंह पापा दिनेश सिंह तेज बहादुर सिंह वीर बहादुर सिंह मोती सिंह सुशील सिंह अनिल सिंह और उदय सिंह के साथ मिलकर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से मार घायल कर दिए थे। मैंने इसी पिस्टल से गोली मारकर रतन सिंह की हत्या कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वाराणसी भागने के प्रयास में था। पकड़े जाने के डर से मैंने पुलिस पर फायर कर दिया। उक्त व्यक्ति से बरामद पिस्टल व कारतूस रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में असमर्थ रहा। यह धारा 147, 148, 149, 302 भादवी थाना फेफना में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध थाना फेफना पर धारा 307 भादवी व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। दिनांक 24 अगस्त 2020 को थाना फेफना में पत्रकार श्री रतन सिंह हत्याकांड में नामजद अभियुक्त प्रशांत सिंह और हीरा को एकौनी तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में इसके पास एक अदद अवैध पिस्टल, जिसके साथ में एक जिंदा कारतूस व एक मिस फायर कारतूस 32 बोर का बरामद हुआ है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि इसी अवैध पिस्टल से उसने फायर करके पत्रकार श्री रतन सिंह की हत्या कर दी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।